नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord 2 वर्सेस Xiaomi Mi 10T का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 6.26 इंच जबकि Mi 10T में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 2.89 इंच जबकि Mi 10T में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो OnePlus Nord 2 में 0.32 इंच जबकि Mi 10T में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि OnePlus Nord 2 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus Nord 2 में 189 ग्राम्स जबकि Mi 10T में 216 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि OnePlus Nord 2 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो OnePlus Nord 2 में फ्लूइड AMOLED जबकि Mi 10T में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus Nord 2 में 6.43 इंचेस जबकि Mi 10T में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus Nord 2 में 85.59% जबकि Mi 10T में 85.15% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो OnePlus Nord 2 में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि Mi 10T में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 10T की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 10T की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो OnePlus Nord 2 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Mi 10T में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो OnePlus Nord 2 में Mali G77MC9 जबकि Mi 10T में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो OnePlus Nord 2 में MediaTek Dimensity 1200MT 6893 और Mi 10T में Qualcomm Snapdragon 865 मिलता है। बात करें RAM की तो OnePlus Nord 2 में 8GB की RAM मिलती है जबकि Mi 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो OnePlus Nord 2 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Mi 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus Nord 2 में Android V11 जबकि Mi 10T में Android V10 क्यों देखने को मिलती है। बैटरी OnePlus Nord 2 में 4500 mAh जबकि Mi 10T में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो OnePlus Nord 2 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Mi 10T की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 31,800 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus Nord 2 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 10T की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus Nord 2 आगे है, मेन कैमरा में Mi 10T आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Mi 10T आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo EQ7 है जो कि 31,990 रुपए में मिलता है। दूसरा OnePlus 9R है जो कि 39,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Oppo Reno 6 है जो कि 31,890 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 11X है जो कि 29,890 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।